युधिष्ठिरादि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े हुए थे। शौनकादि ऋषियों, उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक जी, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हूं। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी, उसी समय भरत वंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि वहां आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदश्व, भरद्वाज, शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, घृतसमद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहां किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने उनसे कहा, धर्म पुत्रो, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण, धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूं कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला हैं। नहीं तो जहां साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हों, भला वहां भी विपत्ति की संभावना है? ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वरेच्छा के अधीन हैं। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित
और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूं, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देव देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर शरशैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। शौनक जी, इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागशः वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीतांबर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एक टक लग गईं। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी, वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे, वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि, जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूं, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है, उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर, जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में
आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहू लुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हूं, आश्रय हूं। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी, तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझे मरणासन्न की परम प्रीति हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राज सूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी, वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्णमय बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे।